बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा बेटे, आ गए आपका सामने क्लास में। जी जी सर। तो लास्ट टाइम हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी किया, साथ उसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, जनरेशन। सर अभी काफी बच्चे रहते हैं। जी सर अभी काफी बच्चे रहते हैं आने वाले। सर, अभी तो चंद बच्चे आए हैं, चार अरे कोई पांच बात बच्चे आए नहीं, हैं कोई अभी बात तक। नहीं, वो मैं ये बाद में ना YouTube पे लोड कर दूंगा, तो जो रह गए हैं वो बाद में सुन लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके सर, ओके, तो स्टार्ट करें। हमने जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स भी स्टडी किया, फिर हमने ये भी देखा कि जो नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर कैसे जंप करती है, वो जो दरमियान में माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक गैप है जिसको हम साइनेप्स कहते हैं, नर्व इम्पल्स कैसे उसको ट्रैवल करती है, कैसे जंप करती है। तो आज हमारा सबक जो है उसमें ये इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम हम स्टडी करेंगे और साथ फिर वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम स्टडी करेंगे। तो असल में देखिए बेटे, बात यह है कि ऑल सेल्स रिस्पॉन्ड टू सम स्टिमुलाई, तमाम सेल बेशक वो न्यूरॉन्स नहीं हैं, वो स्टिमुलस का कहेंगे रिस्पांस देते हैं एंड रिलाई इंफॉर्मेशन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और तमाम सेल इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से मिलने वाली स्टिमुलस का रिस्पांस देते हैं, बेशक वो न्यूरॉन्स नहीं भी हैं। लेकिन देखें कि इवन व्हेन नो रियल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, शुरू में जो सिंपल एनिमल्स थे जैसा कि प्रोटोजोआ और स्पॉन्जर्स, उनमें भी कोऑर्डिनेशन मौजूद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि इंटरनल स्टिमुलाई डू अकर, एनिमल्स जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स हुए उनमें स्टिमुलस का प्रोसेस शुरू हुआ, और फिर तो उस स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए सिस्टम शुरू हुए, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल रेगुलर बीटिंग ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन सीलिया। प्रोटोजोआ में मूवमेंट आपको पता है सीलिया से होती है, और सीलिया की जो मूवमेंट है वो क्लस्टर ऑफ एट सीलिया मूव करते हैं पर्टिकुलर फैशन में, पर्टिकुलर डिजाइन में, तो ये प्रोटोजोन मूव करते हैं। अब इनकी ये जो स्पेसिफिक मूवमेंट है इसको कंट्रोल कोई ना कोई चीज तो करती है ना, तभी ये इसमें कोऑर्डिनेशन है, वरना अगर सीलिया का जो एट सीलिया का क्लस्टर है उसमें कोई कोऑर्डिनेशन ना हो तो ये मूव नहीं कर सकता, क्योंकि कोई सीलिया दाएं मूव करेगा, कोई बाएं मूव करेगा, कोई इधर को कोई उधर को, तो अल्टीमेटली मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन जब एट क्लस्टर जो है, एट जो सीलियां हैं एक क्लस्टर में, उनकी मूवमेंट एक प्रॉपर तरीके से होगी तो ये मूव करेगा। बेटे मौजूद हैं आप? अच्छा, यस सर, मौजूद जी अच्छा बेटे, आप देखें ये जो मुख्तलिफ इनवर्टिब्रेट हैं इनमें ये देखे तस्वीर, ए में हाइड्रा है, फिर ये प्लेन एरिया है, ये मुख्तलिफ इनवर्टिब्रेट्स हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या सूरत हाल है। तस्वीर ए में तो ये हाइड्रा का नर्व नेट है, इसमें सिर्फ आप देखें कि न्यूरॉन्स का एक जाल बना हुआ है, और इसी के जरिए ये अपनी इन टेंटिकल्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ये सुपरफिशियल नेटवर्क है, इसमें कहीं भी आपको ब्रेन नजर नहीं आ रहा, कहीं भी गैंगलिया नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके बाद जब थोड़ी सी और डेवलपमेंट हुई फाइलम प्लेटियल मंकीज के एनिमल्स में, अगर आप देखें ये प्लेन एरिया आपको नजर आ रहा है, तो इसमें आपको ये आइस पार्ट नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली ये आइज नहीं है, ये प्लेन एरिया का आप कह सकते हैं कि ये ब्रेन है, हालांकि ब्रेन भी नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे न्यूरॉन का क्लस्टर मौजूद है, इनको हम गैंगलिया कहते हैं, गैंगलिया में ज्यादा न्यूरॉन होते हैं, तो एक क्लस्टर बन जाता है।
तो इसको हम ब्रेन की कह लें कि आगाज कह सकते हैं, एनिमल्स के अंदर ब्रेन के बनने का हम आगाज कह सकते हैं। तो ये जो दो आइस पार्स हैं इनसे हमें नीचे को आप देखें कि ये डिसेंट डाउन दो नर्व्स नीचे को आ रही हैं और फिर दाएं और बाएं ये आपको नजर आ रही हैं छोटी नर्व्स, इनकी ब्रांचेस। ये जो दो है ना नीचे को आने वाली, इनका नाम तो है नर्व कॉर्ड्स, और बाकी सारी इनसे निकलने वाली जो लेटरल ब्रांचेस हैं, जो छोटी हैं, जो बारीक हैं, ये पूरी इसकी बॉडी में फैली हुई हैं। तो इस तरह इसमें ये नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। और इसी तरह अगर आप देखें तो ये आपके सामने जो है ये अर्थवर्म है, इसमें ब्रेन सेरिब्रल गैंग्लिया यहाँ मौजूद है और ये एक वेंट्रल साइड पे एक नर्व जा रही है और फिर जी बेटे इसको आप समझ लें अच्छी तरह से, इसको करें तो फिर बाद में इसका अपना थोड़ा बहुत करते हैं ना अपना अपलोड करने का सिलसिला। फिलहाल इसको समझे जरा, हाँ इसको समझे जरा, फिर बाद में बात करूंगा ठीक है ना। तो बेटे बात यह है कि जो इन वर्टिब्रेट्स हैं और जो वर्टिब्रेट्स हैं एक बड़ा मेजर डिफरेंस है नर्वस सिस्टम में। आप देखें कि ये जो अर्थवर्म है इसमें आपको वेंट्रल साइड पे नजर आएगी इसकी मेन नर्व और उससे फिर लेटरली नर्व्स निकलती हैं। तो अगर हमने इन वर्टिब्रेट्स को डायसेक्ट करना हो तो हम इनकी डाइसेक्शन करते हैं डार्सल साइड से ताकि वेंट्रल साइड से नर्व्स डैमेज ना हो। लेकिन अगर हमने किसी वर्टिब्रेट एनिमल को डाइसेक्ट करना हो तो उसको हम वेंट्रल साइड से डाइसेक्ट करते हैं ताकि जो नर्वस सिस्टम उसका डार्सल साइड पे है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और उससे निकलने वाली नर्व्स वो डैमेज ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेन डिफरेंस है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स में। तो इसके बाद बेटे आप देखें ये एक एनिमल है, ये एनिमल है, ये एनिमल है, इनमें थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट है। इधर देखें मसलन ये सेरिब्रल गैंग्लिया है, ये थोरैसिक गैंग्लिया है और इधर ये गैंग्लिया है, ये थोड़ा थोड़ा फर्क है। और कह लें कि हर आने वाला फाइलम जो है उसके एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम है इनवर्टिब्रेट्स में वो पिछले फाइलम के एनिमल्स में से थोड़ा सा एडवांस है। मिसाल के तौर पे ये आखिरी फाइलम है इकाइनोडर्मेटा इनवर्टिब्रेट्स का, इसमें अगर आप नर्वस सिस्टम देखें तो है तो इसमें भी नर्व नेट ही मुख्तलिफ तरह का, लेकिन ये तीन मुख्तलिफ हैं। एक ये एपिकल सिस्टम है ये देखें, और फिर ये हाइपोन्यूरल सिस्टम है ये देखें, और फिर ये एक्टोन्यूरल सिस्टम है इधर, और ये तीनों आपस में अलग अलग हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन ये तीन हैं। इससे पहले वाले कैनिकल हैं उनमें एक एक हैं नेटवर्क। तो इस तरह से इसमें एडवांसमेंट शो होती है फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। तो ये चूंकि इनवर्टिब्रेट्स का आखिरी फाइलम है तो ये कह लें कि यकीनन बाकी फाइलम से ये एडवांस है। हेलो जना स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट आई है उन्होंने एक्सेप्ट कर लो ज्वाइन करवा लो। हम कर रहे हैं यार नाल नाल देखो हो गई। अच्छा बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर आ रही है। अच्छा बेटा ये जो नर्वस सिस्टम है इसमें कुछ एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं, ये पांच तरह के ट्रेंड्स हैं जो कह लें कि ये देखें यहाँ पे ये थर्ड नंबर है दीज लेटरल नर्व कॉर्ड्स रिवील दैट फ्लैटवर्म्स आल्सो एग्जिबिट द थर्ड ट्रेंड इन नर्वस सिस्टम एवोल्यूशन बाइलेटरल सिमेट्री, यानी ये एनिमल्स जो है इनमें बाइलेटरल सिमेट्री है। अब बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये है कि एनिमल्स को हम दरमियान से अगर काटें तो वो दो इक्वल हाफ्स में होते हैं, और बाइलेटरल सिमेट्री का ये भी मतलब है
कि इन एनिमल्स की लेफ्ट और राइट साइड्स हैं, और इस बात का ये भी मतलब बनता है कि अगर इनमें लेफ्ट और राइट साइड के ऑर्गन्स मौजूद हैं तो ऑर्गन्स पेड फॉर्म में हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो नर्व्स हैं वो भी पेड फॉर्म में होंगी। तो इसी तरह अगर आप इसमें जो इसके बाद फोर्थ इसमें ट्रेंड है उसको देखें तो रिगार्डलेस ऑफ द अरेंजमेंट दीज गैंग्लिया रिप्रेजेंट द फोर्थ एवोल्यूशनरी ट्रेंड मोर कम्प्लेक्स एन एनिमल मोर इंटरन्यूरॉन्स इट हैज। जितना एनिमल कम्प्लेक्स होता जाएगा उसमें उतने इंटरन्यूरॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। इंटरन्यूरॉन हमने कल पढ़े थे ना एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो हैं, तो बिकॉज इंटरन्यूरॉन्स इन गैंग्लिया डू मच ऑफ द इंटीग्रेटिंग द दैट टेक्स प्लेस इन नर्वस सिस्टम। अब देखेंगे ये जो इंटरन्यूरॉन्स हैं ये इंटेग्रेट करते हैं, इंटेग्रेट इंटेग्रेट इंटेग्रेशन, ये सुना आपने? नो सर। यस सर। यस सर सुना। तो बेटा ये जो लफ्ज है ना इंटेग्रेट, इसका मतलब ये होता है अटेनमेंट ऑफ यूनिटी आउट ऑफ डाइवर्सिटी। अब इसका मतलब ये है कि मसलन मैं अगर बोल रहा हूँ तो ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ये एक काम जो है ये बजाहर तो एक काम है लेकिन इसके पीछे बहुत सारे काम इन्वॉल्व हैं, जिसमें मेरे ब्रेन का वर्क करना, अल्फाज बनना मुंह में, और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डाइजेशन अब्जॉर्प्शन, और फिर किडनी भी साथ काम कर रहे हैं। तो ये सारे मुख्तलिफ काम हो रहे हैं और उसके नतीजे में मैं बोलने के काबिल हुआ हूँ। तो देखा जाए तो ये जो इंटेग्रेशन है इसका मतलब ये है कि काम तो एक हो रहा है लेकिन ये एक काम जो है ना ये डाइवर्सिफाइड कामों के नतीजे में हो रहा है, इसे हम कहते हैं अटेनमेंट ऑफ यूनिटी आउट ऑफ डाइवर्सिटी। तो इसी तरह और जब एनिमल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो फिफ्थ ट्रेंड आता है, इसमें क्या है जी कि इसमें आप देखें ब्रेन कॉन्टेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। ब्रेन में तो तकरीबन 25 ट्रिलियन तक न्यूरॉन्स होते हैं। आजकल हमारे जितने भी न्यूरोसर्जन हैं ये ब्रेन के बारे में मेरे ख्याल में तो 5% भी नहीं जानते। ये तो जो ऑपरेशन करते हैं जो छोटे मोटे बस चोट लग गई है क्लॉटिंग बन गई है उसको निकाल दिया, ये कर दिया, कोई वहां पे बन गया ट्यूमर उसको निकाल दिया, लेकिन जो ब्रेन है उसको अभी तक समझना और कहने के इतने ज्यादा जो न्यूरॉन्स हैं उनके कनेक्शन को समझना ये अभी तक मुमकिन नहीं है। तो ये वाला जो ब्रेन है वर्टिब्रेट्स में है इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। तो जो वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम है उसमें तो बेटा ये है कि उसमें दो बातें हैं मेन, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये वाला, ये डायग्राम नजर आ रही है आपको बेटा? ये डायग्राम नजर आ रही है? यस सर। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में है, और फिर ब्रेन है जो हमारी स्कल में है, और इसमें फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होता है कि वो वाली नर्व जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तो इसमें मोटर नर्व्स हैं जिनको हम एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, और ये क्या करती हैं ये कैरी करती हैं कमांड्स को अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये यानी जो अहकामात हैं जो इंपल्स हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे दूर लेके जाती हैं। और फिर देखें आगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जो वॉलेंटरीली काम करता है, ठीक है ना। वॉलेंटरी का मतलब ये है कि शऊर के जरिए, यानी अगर हम अपने पाँव को या अपने हाथ को हिलाते हैं तो हम ये प्रॉपर सोचते हैं और फिर हमें ब्रेन से ऑर्डर मिलता है अपने हमारे हाथ को हमारे पाँव को वो मूव करते हैं। तो एक है इनवॉलेंट्री, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये खुद कार है, ये बहुत से हमारे जिस्म में काम ऐसे हैं जो हम सोचते नहीं हैं वो खुद ब खुद होते हैं। ये सिंपेथेटिक इसकी एक किस्म है, एक पैरा सिंपेथेटिक एक किस्म है, इसके बारे में अभी आगे थोड़ा सा लिखा हुआ हम देखते हैं। तो जो सेंसरी नर्व्स हैं वो हमारी बॉडी में विसरल सेंसरी नर्व्स हैं, जैसा कि हमारे स्टामक से इंफॉर्मेशन आती हैं, इंटेस्टाइन से आती हैं, हमारी बॉल मूवमेंट्स हैं,
और फिर इसी तरह ये सोमैटिक सेंसरी नर्व्स हैं, हमारे जो दूसरे आज़ा हैं अंदरूनी, उनमें से भी नर्व्स आती हैं और हमारे ये जो इंटरनल स्टिमुलस हैं वो हमें रिसीव होते हैं और उसके मुताबिक फिर हमारी बॉडी रिस्पांस देती है। तो इसमें मैं आपको देखे ना बेटे, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये मेन मेन है। ज़ाहरा लाइन लाइन अकेली आपको बताना ये इधर तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये है कि आप स्टडी जब करते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे वो क्वेश्चन बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी क्लैरिफाई कर देंगे। इस वक्त भी अगर आपको कोई दिक्कत पेश आए आप फौरी क्वेश्चन कर सकते हैं एंड पे, तो हम उसको फिर उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये देखें अपना वर्टिब्रेट का जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं मुख्तलिफ एनिमल्स में। मैंने बताया कि जैसे तमाम जो एनिमल्स हैं जितने वो सिंपल होंगे उनमें उनके तमाम ऑर्गन्स तमाम सिस्टम सिंपलीफाइड फॉर्म में होंगे, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गन्स जैसे जैसे एनिमल्स एडवांस होते गए मुख्तलिफ फाइलम आगे से आगे आते गए। तो ये लैम्प्री है, ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी ना इसका लाइफ साइकिल। तो इसमें ये ग्रे मैटर है और ये न्यूरल केनाल है सेंटर में। शार्क में आप देखें ये इसकी डेवलपमेंट मजीद हुई, तो इसमें आपको ये इसकी शीथ है, फिर ये इसकी डार्सल हॉर्न है, फिर ये इसके न्यूरल केनाल है, फिर ये वेंट्रल, यानी काफ़ी सारी आपको इसमें डेवलपमेंट नज़र आ रही है। फिर एम्फीबियन में भी डेवलपमेंट और हो गई है, रेप्टाइल्स में भी और हो गई है आप देखें। तो फिर ये बर्ड्स और मैमल के अंदर जो हमारी कंडीशन है वो भी हमारे सामने है। तो इस तरह से ये नर्वस सिस्टम डेवलप होता गया और मेन तो इसमें पता ना आपको ये स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये देखें ये जो डायग्राम है ना ये बड़ी शानदार डायग्राम है। ये क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ द वर्टिब्रेट ब्रेन। ये वर्टिब्रेट ब्रेन के बारे में उसको एक्सप्लेन करने के बारे में बड़ी शानदार डायग्राम है। समरी ऑफ द थ्री मेजर सब डिवीजन एंड सम ऑफ द स्ट्रक्चर दे कंटेन। अब देखें उसने कहा थ्री मेजर सब डिवीजन कौन कौन सी, फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन पहली डिवीजन है जिसके दो पार्ट हैं टेलेनसेफलॉन और डायनसेफलॉन, फिर मिड ब्रेन है जिसमें मेसेनसेफलॉन है, फिर हाइंड ब्रेन है इसमें रोमनसेफलॉन है। तो एक्चुअली ये वाली जो डायग्राम है ये सीधी करके दिखाई गई है, लेकिन अगर हम देखें तो एनिमल्स के अंदर ये ऐसे नहीं है, बल्कि फ्रॉग में इस तरह का ब्रेन आपको मिलेगा, एलिगेटर में इस तरह का, और फिर चिकन में इस तरह का, कैट में इस तरह का। ये चीज़ें ये मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में मुख्तलिफ एनिमल्स में मुख्तलिफ स्टाइल में ये फोल्ड कर जाते हैं, कंपैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ जो सिंपलीफाइड डायग्राम है इसमें अगर हम गौर करें तो ये वाला इधर हमारा है वो स्पाइनल कॉर्ड, इधर स्पाइनल कॉर्ड है और उसका आखिरी सिरा एंटीरियर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हमारी ये जो गर्दन है वहाँ तक ये, और फिर वो पहला हिस्सा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। ये मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है ये हमारा कह लें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में वाकया है, और ये हमारी ब्रीदिंग को, स्वालिंग को, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन वाले और गैस्ट्रिक सीक्रीशन का कंट्रोल मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के पास है। इसके बाद ये पॉन्स है जिसको हम सेरिबेलम भी कहते हैं, ये हमारी लिम्ब की मूवमेंट्स यानी हमारी, और फिर मेंटेनिंग पोस्चर यानी हमारी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करता है, और फिर ये स्पेशल ओरिएंटेशन, स्पेशल ये स्पेटियल या स्पेशल, इसकी प्रोनाउंसिएशन स्पेशल है लेकिन इसको स्पेलिंग इसके SPATIAL, इसका मतलब ये है कि हम अपनी पोजीशन को समझते हैं कि हम बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं या हम मोटरसाइकिल पे हैं, हम जहाँ भी होते हैं अगर हम हमारे यानी नर्वस सिस्टम सही काम कर रहा होता है तो हम इसको समझते हैं। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं जिनका ये वाला पार्ट कमज़ोर हो जाता है तो वो बाज दफ़ा इसको नहीं समझते, उनको नहीं पता चलता कि वो मोटरसाइकिल पे बैठे हैं या घर में बैठे हैं। तो जैसे जैसे वो मुख्तलिफ आज़ा कमज़ोर होते हैं तो उनकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होती है। उसके बाद ये मिड ब्रेन है, इसके जिम्मे जो काम है वो विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल,
ये हमारे देखने और सुनने में ये रेगुलेट करता है। और फिर जो फोर ब्रेन है उसमें डैन शफल एंड के ये फोर पार्ट्स हैं, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैरेटल ग्लैंड, और फिर ये टीलन शफलान, इसमें सारी ब्रम, ओल्फैक्टरी बल्ब, लिम्बिक सिस्टम, कार्पस सिट्यूएटम, ये इसके चार चार पार्ट हैं। इनके भी काम हैं, वो अभी हम वो भी डिस्कस करते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अभी। तो फिलहाल मैं आपको ये जरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था। यानी आप देखें कि डायग्राम में बड़ा वाजे ये मौजूद है कि तीन ब्रेन के पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, आगे ये इनके नाम लिखे हुए हैं और फिर डिस्क्रिप्शन में इनके काम लिखे हुए हैं। तो असल में आपने यही देखना होता है कि स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। और ये बेटे जो ये रेड लाइन जिसने लगाई है, ये काम ना करें, ये मुझे पता चल गया तो फिर ये नाराजगी वाली बात है। ये रेड लाइन ना लगाएं, आपकी मेहरबानी होगी। यार साहब ये देखें ये कौन है, इधर मैं भी देखता हूँ ये कौन है, तो अगर मैंने ये पकड़ लिया तो फिर ये नाराजगी वाली बात होगी ना, क्या ख्याल है? अच्छा आप देखें ये मुख्तलिफ एनिमल्स हैं, इसमें बास एक फिश है, ये फ्राग है, ये पिट वाइपर है, एक स्नेक, ये वार्बलर है, ये अपोसम है, ये बॉबकैट है, और ये फिर देखें आखिर में इंसान है। ये जैसे जैसे ब्रेन की डेवलपमेंट हुई इसका साइज बड़ा होता गया और आखिर में जाके आप देखें कि इंसान की जो शक्ल है वो काफ़ी बड़ी है, उसमें बड़े साइज का ब्रेन है। तो ये एक कंपैरेटिव जो है ना एनालिसिस आपके सामने है कि मुख्तलिफ एनिमल्स में किस तरह से जो है ना वो ब्रेन का साइज है और उनकी शक्ल का साइज है वो इसमें दिखाया गया है। तो अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ मजीद उसके वाजे करने के लिए। जी सर जी, हाँ समझ आ रही है ना? तो मीटिंग हो रही है कि बंद हो गई है? सर यस सर। अच्छा मैं सर टाइम खत्म होने वाला है, यही हिंदी पे ही मैं बड़े एक और चीज निकाल रहा था वो दिखानी है आपको। ये अपना सीआर था बैठे हुए है ना? हेलो हेलो जी सर जी। अच्छा ये सुने जरा ध्यान, क्या कह रहे हो? ये ह्यूमन ब्रेन के पार्ट या आप मैंने कहा ठीक है चल रही है स्क्रीन नजर आ रही है जी आ रही है नजर। हाँ बेटा ये थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन किया है, ये थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स हैं, कुछ मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उनके कलर डिफरेंट हैं, तो ये थोड़ी सी है ये भी देखनी है। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोना प्ले लेफ्ट हाफ एंड बोथ दीस हाफ्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम। सो फ्रॉम दिस व्यू डज आवर ब्रेन रिमाइंड यू ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी ईटन? एनी नट? यस, इट लुक्स लाइक अ वॉलनट। And did you know that a walnut is a brain-boosting nut, which when eaten regularly, helps to increase memory power of the brain? So like you can see here, our brain has wrinkles on its exterior surface. And this wrinkly part is called as cerebrum, which makes up the major portion of our brain. But not every individual has equal amount of wrinkles. These wrinkles indirectly determine the intelligence of an individual.
You may be wondering how. So let me tell you, the logic is that the vehicles are formed to increase the surface area of brain tissue. So more the surface area, more the number of neurons in the nervous tissue. And more the neurons, more intelligent an individual is. So now we know that cerebrum is associated with the intelligence of an individual. Now let's look at the brain from a different view. So when we change the angle and when we see it from this side, we notice that the cerebrum is actually divided into four parts, or four lobes, we can say. And each lobe has different functions that they perform for the body. The first one is called the frontal lobe. Now, just by the name, can you guess which one of these can be called the frontal lobe? Yes, it is this one, the one present in the front. Now, to tell you its function, let me give you a math problem. Can you calculate the sum? Did you get the right answer? The frontal lobe controls problem solving and intellectual activities. So right now, to solve this problem, the frontal lobe was actively involved. Some other functions are that this frontal lobe controls attention, judgment, behavior, and muscle movement. So now let's test our muscle movement. Are you ready? So on my command, quickly raise your right hand. Good. So your frontal lobe is functioning really well. Let's move to the next lobe. This highlighted lobe here is called the parietal lobe. And do you know what it controls? Wait. Let's take a test to see if it functions well. So you have to do as I say. Pinch yourself as hard as possible. Come on, do it quickly. Did that hurt? Did you sense any pain? So well, your parietal lobe senses pain. It also helps in visual functions such as reading and understanding statements. Are you having fun learning about the lobes in the cerebrum? So let's continue. The next lobe is called the temporal lobe. It controls the visual and auditory memories. So all that you see and hear gets stored in the form of memories in this lobe. Do you all want to test this lobe too? Okay, so all that you have to do is listen to the statement, memorize it well, and repeat it later. Are you ready? Here we go. Jack will cycle to the market and bring tomatoes for his mother. Did you get it right? You're brilliant. Let's move ahead. The fourth and the last lobe is the occipital lobe. It helps in recognition of color, words, and movements. So let's take a small test for this. So in this moving video here, you have to find the 10 hidden words and you have 10 seconds. Let's start. Wow. So quickly, we've completed learning about the cerebral lobes along with their functions. Let's move to the second part of the brain. The small bulge at the back of your brain that you see is called as the cerebellum. Just like the cerebrum, this cerebellum is also divided into two halves. It's called as the small brain, and it is a very important part of our brain. Compared to the cerebrum, the cerebellum has more number of neurons, and it controls essential body functions like balance, coordination, and posture, allowing us to move properly and maintain our structure. So your cerebellum is the reason that you can stand on one leg, jump around, run, and maintain your body posture and structure. Now, both these parts that we just discussed are superficially present on the exterior of our brain. But tell me one thing. Who tells you when you're hurt or angry or sad or excited about something? We link these emotions to our heart, but is it really your heart? No, it's your brain. The part that handles your emotional side is hidden below the sprinkly portion or the cerebrum. So in our next video, we'll dissect our brain and try to reach the depth of it, where we'll be studying two more important parts of our brain, which lie in the interiors. Let me remind you all that we have complete courses for each and every chapter in mathematics for grade 9 and 10. You may buy them from the links given in the description below.
जी सीआर साहब को अंदाजा हुआ क्या कहा इसने? सर इसका लिंक कॉपी करके मैं व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा, वो फिर सुन लेंगे एक दफा यूट्यूब। नहीं वो तो ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी आवाज वगैरह आपको आ रही थी कि नहीं। जी जी सर वो तो आ गई है, लेकिन मरीज मैंने कहा जरा बेहतरी के लिए। तो साथ इसकी जो मूवी थी वो भी सही नजर आ रही थी? जी सर वो भी ठीक ही चल रही। हाँ अब ना मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा शाम तक ये आपको ना यूट्यूब पे सेंड हो जाएगी। वो लिंक मैंने आपको मैसेज किया, वो आपने देखा नहीं है गूगल क्लासरूम में? हेलो सर वो, लेकिन वो तो 12 से 1 बजे लगानी है ना अटेंडेंस जाकर। हाँ अटेंडेंस तो वहाँ ही लगानी है, वहाँ मैंने लिंक भी लिख दिया ना डॉक्टर साजिद यकूब कुरैशी स्पेलिंग वाला, वहाँ से देख लें। वो आप लिखेंगे तो खुद ही आ जाएगा। तो अभी शुरू शुरू के लेक्चर हैं, इसमें ज़ाहिर है ये छोटे मोटे मसले आ रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ना और बेहतर हो जाएंगे, बड़े ये शानदार और बड़े वीआईपी किस्म के हो जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है सर जी, ठीक है। हाँ अच्छा आज हमें क्लास में कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है? फिर क्या चीज बड़ा आवाज कट रही है? मैंने कहा कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है आज हमें इस क्लास में? इधर सर 18 20 18 20 बस यहीं तक रहे हैं। चलें कोई नहीं, वो थोड़ा सा जरा हमने एक घंटा पहले ले ली ना क्लास, तो अब ये है कि आइंदा से टाइम पे हुआ करेगी। आप बच्चों को बताएंगे टाइम जब क्लास का हो तो उस वक्त वो जो है ना अपना उधर वहाँ पे अटेंडेंस जरूर लगा दी करें। ठीक है? तो अब ठीक है ना? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी। ठीक है।